उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे, हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है सो सॉरी IMDIA छोड़ो यात्रा 2024 इलेक्शन कांग्रेस इंडिया वर्सेस NDA लोकसभा इलेक्शन। तो देखते हैं, मैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन और कैसे, 3 के बाद वीडियो स्टार्ट। सो सॉरी पापड़ बेलने पड़ते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। राहुल गांधी की वीडियो मैंने भी देखी थी कि चलो बैग तो वो हो जिसके टायर ना हो, उसको सर पे उठा लिए तो वो तो चलो बनता है। वो टायर वाला मेरे को बोल रहा है, टायर वाला तो बेचारा घसीटा है उसको। अरे चूरन भी तो देना असल में, ये बंदा खड़ा था, मैं तो समझा था। मैं तो समझा था कि ये पप्पू उसको बनाया जा रहा है, ये है ही पप्पू। मतलब तू आज मान गए असल में, इतने ज्यादा हुनर रखने वाला बंदा, वो कार का दोस्त है, इतने ज्यादा हुनर उसके पास है। हाँ वो मैकेनिक बन जाता है, वो शेफ बन जाता है, पता नहीं क्या क्या बन जाता है। अच्छा ये हर फन मौला इसे कैसे, हर फन मौला ये जो कुछ मर्जी बनता रहा लेकिन वजीर आजम नहीं बन सकता। अरे ये क्या पेशेंट है, ये गलत बात है, बनेगा जरूर लेकिन भाई कुछ वक्त लग सकता है लेकिन बन जाएगा। दूसरा जन्म में मोदी साहब जाएंगे तो ये बन जाएंगे, ये तो नामुमकिन है तेरे। नहीं नामुमकिन भी नहीं हो सकता, कैसे वक्त तो आएगा ही, तो वक्त उसका कितने ज्यादा काम दुनिया उम्मीद भी कायम है भाई। वो ना वो सोना जो था ना वो आग में तब के कुंदन बन रहा है, वो कुंदन बन रहा है, सियासत का मतलब अभी तक वो बन रहा है, वो आस्ता आस्ता अभी तप रहा है भाई साहब। ये जब इनकी 70 क्रॉस होगी ना, मैं तो कहता ये कुंदन से ज्यादा कुछ बन चुका है, अब ये इस काबिल ही नहीं किसको दोबारा। आपके प्यारे मोदी जी भी यही करते हैं भाई साहब, ये जो लीडर होते हैं ना सियासी, जो भाई साहब उनके ये काम है, जो वो चूरन बेच रहे हैं मुझे कभी भी नहीं बेच सकते, ये भी वही कॉपी कर रहा है, हर फील्ड में जाकर उनका बड़ा हमदर्द बनता है, सियासत बेच रहा है ये भी, राहुल गांधी भी और मोदी जी भी यही बेचते हैं, लेकिन सारे करते हैं। उनकी सोच बहुत आगे की है, ये वहां तक कभी भी नहीं पहुंच सकते, ये नामुमकिन सी बात है। नहीं सारा मीडिया अब चेंज होता रहता है, नहीं यहां पर ये फर्क रह गया, सारा मीडिया उन्होंने खरीद रखा है भाई, ये भी खरीद लेना, इनके पास पैसे, उनकी हुकूमत है, इसीलिए उनकी हुकूमत है, इनका कितने खानदान भगत चुके, इनके पास पैसा नहीं है, इन्होंने क्या कंट्री को भाई साहब को अभी भाई साहब जेब कर ले,
खानदान ने इतना पैसा नहीं लूटा इतना बीजेपी ने लूटा है। चलो बीजेपी ने लूटा, उसने सारा कुछ खरीद लिया, इनके पास भी तो पैसे हो गए, इनकी राजनीति में यही गलती इनकी सरकार थी, ये भी सरकार में करते रहे, स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे भाई, ये स्ट्रॉन्ग है करना तो वही होता है जो हुकूमत चाहे। बिल्कुल बिल्कुल, उनके हाथ में पावर है, राहुल गांधी के हाथ में उतनी पावर आवाम ने दी है उनको, जिस तरह हम कब गए जो चीज के लिए आज उनको मिल रही है वो आवाम के लिए क्या कर रहे हैं, हम भी मान रहे हैं आवाम की पावर उसके पीछे है, ये जितना मर्जी पावर दे रहे हैं ऐसे नहीं 400 का आंकड़ा पार करने के लिए उसने बोल दिया, अवाम की ताकत है ही पीछे, मीडिया पे दो दफा उनकी चल रही है भाई साहब, क्योंकि वो मीडिया में खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं तो कर ले इनके पास, वो भाई सारे छोटे मोटे बिजनेस बैठ इनके पास है, ये जो टोटल के टोटल सबसे ज्यादा किसके पास आए, चलो भाई साहब पावर उनके पास है सबसे ज्यादा, मुकेश अंबानी इनका नहीं इनका टाटा नहीं है भाई साहब, काम शाह ने वो क्लियर कर दिया है भाई, वो मामला क्लियर कर दिया, क्लियर हो गया, उन्होंने वो मेरे ख्याल से कहा कि 20,000 थे उनमें से 6,000 बीजेपी ने लिए हैं, उन्होंने कहा कि बाकी के 1400 किधर है वो ढूंढो, हाँ मैंने भी ये सुना हुआ है अमित शाह मामले एक प्रोग्राम में बता रहे थे कि बाकी के 1400 ढूंढो किधर गए, 1400 14,000 जो है वो अमित शाह ने कहा कि वो किधर गए, तो हुकूमत ने भी नहीं बताया कि ये 14 हालांकि ब्लंडर इनका खुद का ही है, तो ढूंढना भी दिनों नहीं है किसने ढूंढना है, ढूंढना तो बीजेपी ने वो ढूंढो जो चूरन वो बेच रहे हैं उनका सही से बिक रहा है, और वो कंट्री मतलब तो माल गया कि चूरन ये भी बेचते हैं, तो ये चूरन ये कंट्री लोगों के लिए भाई साहब सुगर है कुछ हकीकत इस बंदे ने भी मान ली है, हमें चाहिए तो दूसरों को ब्लेम करता रहता है, वो पाकिस्तान वाला चूरन ही सिर्फ चूरन देना ही करना कुन्ना कुछ नहीं सिर्फ बोलते ही रहना आएगा मीडिया के सामने, हमने ये कर दिया हमने वो मतलब तेरा करने का ये दिखावे के काम ज्यादा करती है, कोई लेकिन लोगों की भलाई के लिए होती है, बिल्कुल होती है, अच्छा भूख अच्छा वो जो हुकूमत जो कर दे कुछ ना कुछ तो कर रही है, पूरे लद्दाख में भूख हड़ताल पे लोग 15-16 की ठंड में बैठे तकरीबन 15 दिन ठीक हो गया, अभी तक कोई बंदा नहीं, कोई अमित शाह या कोई बीजेपी का बंदा नहीं, तो इधर नहीं होते इधर बैठे, इधर को मारो गोली, इधर को मारो गोली, कुछ ना कुछ तेरी जबान है, कुछ ना कुछ इंसानियत के लिए कर रहे हैं वो भी इंसान, ये इंसानियत का रिमांडे है वो हो ही गए, जो पहले कई स्टेटों को डाल रखा है, बीजेपी 4 स्टेटें पहले है सिक्स ड्यूल में, जो कबीले होते ना जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है उनको डालते हैं, मोदी साहब बीजेपी की सरकार ने उनसे वादा किया था भाई साहब हम आपको सिक्स शेड्यूल में डालेंगे, मैनिफेस्टो में डाल वादा किया, अच्छा उनके पास सबूत है, अच्छा अगर सिक्स शेड्यूल में नहीं डाला तो वो इलाका वो जो है कबाइल नहीं चल रहे थे वो ग्रो नहीं कर रहे, चल तो रहे थे, तुझे पता नहीं है समझा नहीं आ रहा तुझे पता नहीं, ये समझना नहीं चाहता, एक मिनट तुझे अभी सिक्स शेड्यूल का पता नहीं, उनसे वादा किया था भाई साहब आपको, तो भाई साहब घूमते कितने वादे करते हैं, सुन तो ले यार, मतलब नहीं आप भूख मरी ओ भाई जवाब तो ले ले, ये हाल होता है वादा किया था भाई को, पूरा हाल है मुझे ये हड़ताल कर रखी है भाई साहब, इस तरह के चूरन जब सुबह बनाने के लिए चूरन दिया गया हुआ तो नहीं है यार, उस चूरन को छोड़ भाई साहब, जिन्होंने उधर बोला बैठो इधर हमारे साथ उनके ऊपर जाएगा उनका ब्लेम, उनके ऊपर जाएगा, हक लेने के लिए बैठे तो
गवर्नमेंट सभी का गवर्नमेंट में तो ना तो कोरोना बाद है तो फिर सारे कर दे मानना दीजिए वो भी खालिस्तानी है वो भी खालिस्तानी है उनको भी खालिस्तानी अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे मैं अभी सुन रहा था मोदी साहब हुकूमत एक मैंने कहा तुमने डाला है मैंने कहा भाई साहब डिले भी तो हो सकता है ना जी आपको नहीं पता तो उनके साथ जाकर बात कर सकते हैं उनको डील तो कर सकते हैं उन्हीं में कहा था 24 होगा उनके साथ डील तो कर सकते हैं कम से कम उनके भूख हड़ताल को तो टाल सकते हैं वो कितने वो 30% लोग उधर बैठे हुए चलो ज्यादा नहीं तो कम तो अच्छा एक सवाल मुझे वैसे कह रहे हैं तो गौतम साहब से एक सौ बंदा बैठा उनकी जान की वैल्यू नहीं भाई अच्छा कह रहे एक सवाल नहीं जब बात करते हैं कहते हैं 100 जनता 140 करोड़ फैमिली मेंबर है बिल्कुल करते हैं तो फिर वो भी उसी भाई साहब हर बंदे को भाई साहब हुकूमत सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा उसने जो भाई वादा किया वादा करने के लिए तो ये एक इससे सवाल कर सकते हैं पता नहीं गवर्नमेंट का कितना खर्चा कितना बजट कितना हुआ है खर्चा तो है ही नहीं वो तो मैं सवाल सारा को मुझे भी अच्छा उसके लगाने से उसको उस इलाके को क्या कुछ और मिलेगा या क्या कुछ कर मुझे ये पहले पता नहीं है फिक्स शेड्यूल का क्या तू पहले वो देख लेना फिर तुझे पता चल जाएगा मोदी साहब ने खुद वादा किया पहले भाई साहब उस फिक्स शेड्यूल के अंदर कुछ ना कुछ तो उस इलाके को मिलने वाली है ना लेकिन उसके लिए भाई साहब पैसा एफर्ट उसके लिए बहुत ज्यादा वो तो इंडिया के पास है अब वो खरगोश उसको लगाने के लिए कई साल लगे हो मेरे ख्याल में ये बहुत पुराना ये कानून बना हुआ कि जो कबाइली है उनको उसी शेड्यूल में डाला जाएगा ये शुरुआत से ही है जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको उसी शेड्यूल में डालते हैं ये मणिपुर में भी इस तरह के ट्राइबल हैं ये तो ठीक है भाई एक अच्छा भी एक थोड़ा सा सवाल कर लेना मालूम साहब पिछली बार 2021 में ये किसान धरना देकर बैठे थे उसमें 700 बंदा मर गया था मोदी साहब अक्सर कहते हैं सुन लेना ये मेरी फैमिली का हिस्सा मेरी फैमिली था ना ये सारी फैमिली में से क्या वो 700 बंदा इनकी फैमिली नहीं थे उस वक्त भी इलेक्शन थे क्या तू रह चुकी छोड़ क्या फैमिली नहीं थे उस वक्त भी इलेक्शन वो 700 बंदा मोदी की फैमिली के नहीं थे मूर्ति की फैमिली के लिए क्या बात है तेरी यार चलो जी ठीक है भाई अजीब बात तेरी कमेंट सेक्शन में मिलते हैं वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दे अल्लाह हाफिज़